उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया है, जहां कानपुर की सीसामऊ और करहल सीट पर सपा ने जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी ने गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर सीट पर जीत दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं, यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। यूपी के उपचुनाव में सपा प्रमुख का पीडीए का दाव धाराशाही हो गया है, क्योंकि अभी तक सपा के खाते में जो 2 सीटें आई हैं, उनमें से एक करहल की सीट खुद अखिलेश यादव के द्वारा छोड़ी गई सीट थी, जिस पर सपा का जीतना तय माना जा रहा था। दूसरे मुस्लिम बाहुल्य सीट सीसमाऊ है, जहां सपा कैंडिडेट ने चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रिजल्ट के बाद कहा है कि यूपी के इस उपचुनाव ने दुनिया ने चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। ये चुनाव परिणाम इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आक्रामक छवि, धार्मिक एकजुटता का उनका एजेंडा और जातियों में न बटने वाली उनकी अपील काम कर गई। वोटरों ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि कटेंगे तो बटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया ऐसा नारा है जो यूपी से फूटा और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।